डियर स्टूडेंट वेलकम इन एएससी स्टार्टर। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं फ्री में, मतलब कहने का है कि प्राइवेट स्कूल में जो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे कि कब फॉर्म निकलेंगे कब फॉर्म निकलेंगे। तो देखिए, फॉर्म जो है यहाँ पर जो डीओ की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है अभी नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के लिए हुआ है, ठीक है। और ये सर्कुलर बता रहा है कि आप जो है अप्लाई 30 अप्रैल से कर सकते हैं, 15 मई लास्ट डेट रहेगी और 20 मई को ही जो है रिजल्ट आ जाएगा कि किस बच्चे को कौन सा स्कूल अलॉट हुआ, ठीक है। इसमें ना दो फ्लोर निकलेगा, जिनका नंबर आया है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है ना उनकी फैमिली की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए एनुअली। बाकी जो डीजी के ग्रुप में, ठीक है, उनमें जो क्राइटेरिया अप्लाई होता है जैसे एसटी एससी हो गए, ठीक है, तो वो उसमें वो अप्लाई होगा। एज जो है अगर आप नर्सरी में एडमिशन करवाना चाहते हो तो 3 से 5 साल, केजी में करवाना चाहते हो 4 से 6 साल और फर्स्ट में करवाना चाहते हो तो 5 से 7 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर ये बता रखा है कि 31 मार्च को जो है देखा जाएगा। 1 महीने का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, जैसे 1 महीने का अगर उसके अंदर बच्चा है तो उसको 1 महीने की छूट मिल जाती है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना भी रखी है इसके रिगार्डिंग, आपको टाइम टू प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पर जो सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी है ना उसके लिए ज़्यादा छूट दी गई है एज में। तो अगर वो सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी का है तो 3 से 7 साल नर्सरी के लिए, जिसे हम प्री स्कूल कहते हैं, 4 से 8 केजी जिसे प्री प्राइमरी कहते हैं, और 5 से 9 साल की रिलेक्सेशन जिसे प्राइमरी क्लास फर्स्ट के लिए कहेंगे। तो इतना ही है वीडियो में, और भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा मैं, फॉर्म कैसे भरना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आप सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि इससे बहुत से जो पीपल हैं जो बच्चे हैं वो इससे फ्री में प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएंगे और इन्हें अच्छी एजुकेशन मतलब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक तो जो होता है ना पेरेंट्स जो चाहते हैं कि प्राइवेट में हो जाए अच्छे स्कूल में हो जाए, ठीक है, जैसे वो कहते हैं, तो ये उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो प्लीज़ जरा वीडियो को जरूर शेयर कर दें। इतना ही था अभी फिलहाल इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स।